क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज देश में समानांतर सरकार की तरह काम कर रही है? क्या उसने देश के प्राकृतिक और वित्तीय संसाधनों पर कब्जा कर लिया है? पश्चिम बंगाल की पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी की माने तो ये 100% सच है। और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस आर्थिक लोकतंत्र की बात की थी वो अंबानी की कंपनी से बिल्कुल ही मेल नहीं खाता। हम काले धन की बात समानांतर अर्थव्यवस्था के रूप में करते हैं और ये अब भी बनी हुई है, लेकिन रिलायंस तो समानांतर सरकार है। मैं किसी ऐसे देश को नहीं जानता जहां कोई एक कंपनी प्राकृतिक संसाधनों, वित्तीय संसाधनों, पेशेवर संसाधनों और अंतर मानव संसाधनों पर इतनी ढिठाई से अधिकार चलाती है जितना कि अंबानियों की ये कंपनी। गोपाल कृष्ण गांधी ने रिलायंस पर तीखी टिप्पणी की तो सीबीआई को भी नहीं छोड़ा। सीबीआई को सरकार की ईमानदार सहयोगी की तरह नहीं बल्कि हथियार के तौर पर देखा जाता है। इसे अक्सर डीडीटी कहा जाता है, जिसका मतलब रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन, कीटनाशक नहीं बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ डर्टी ट्रिक्स है। कलरलेस, टेस्टलेस, ओडरलेस इंसेक्टिसाइड इट इज मेंट टू बी बट द डिपार्टमेंट ऑफ डर्टी ट्रिक्स। सीबीआई की पूरी आजादी की मांग का विरोध करते हुए गोपाल कृष्ण गांधी ने कहा कि इस जांच एजेंसी को लोकपाल के अधीन होकर सीमित आजादी में काम करना चाहिए, क्योंकि राजनेताओं का हथियार बनने से उसे लोकपाल ही बचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस।